लखनऊ से इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बीएसपी कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। मायावती को एक बार फिर से चुना गया है बीएसपी अध्यक्ष, सर्वसहमति से चुना गया है बीएसपी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जो बैठक लगातार चल रही थी वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। मायावती को एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष चुना गया है, सर्वसहमति से चुना गया है उनको बीएसपी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर, सर्वसहमति से चुना गया है बीएसपी अध्यक्ष, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। और ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, मायावती को एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष चुना गया है। जानकारी मिल पा रही है कि सर्वसहमति से चुना गया है बीएसपी अध्यक्ष, ये बड़ी खबर। तो लखनऊ में लगातार बैठक चल रही थी और उसके बाद ये बैठक अब समाप्त हुई है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। समरता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। निखिल, जिस तरीके से बीएसपी कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और ये बड़ा फैसला सामने आ गया है, मायावती को एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष चुना गया है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि सर्वसम्मति से फिर एक बार बसपा प्रमुख मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लंबे समय से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आज जिस तरह से बैठक से पहले कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा था, जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे थे, सभी ये बात साफ थी कि एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का चुना जाएगा। शिक्षा की तरफ से जो विश्वास पार्टी के नेता है उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि एक बार जो है बसपा प्रमुख मायावती जो है उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष किया जाए। इसके बाद जो 350 लोग जो राज्य कार्यकारिणी के लोग आए थे लगभग, उन्होंने सर्वसम्मति से एक बार फिर से बसपा प्रमुख मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आने वाले जो उपचुनाव होने हैं और उसके साथ ही जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें पार्टी और संगठन किस तरह से काम करेगा, इस रणनीति पर भी चर्चा हुई। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी किस तरह से परफॉर्म करेगी, गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, इन तमाम विषयों पर जो है वो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो ये माना जा रहा है कि अब जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित दिखेंगे, क्योंकि लंबे समय से माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपना जो मूवमेंट है वो तेज करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट आप देखे पहले तो दिनों में बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ा है, खासकर की जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दलितों को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसके भी लेर के मुद्दे पर। तो बसपा प्रमुख मायावती हो या पार्टी के संगठन के तमाम और लोगों लगातार आपको सक्रिय दिखाई पड़ेंगे, और चाहे भारत बंद के समर्थन की बात हो चाहे दलितों के आरक्षण के मुद्दे की बात हो, इसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत मजबूती के साथ दिया, उसका इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ा। और आज शायद यही वजह कि कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे वो काफी उत्साहित दिख रहे थे। बहुजन समाज पार्टी मिशन है, एक मूवमेंट है और उस मूवमेंट ने यह तय किया है कि किसी स्थिति में जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना है। तो एक मूवमेंट के तहत बहुजन समाज पार्टी में काम होता है और उसी मूवमेंट का नतीजा आप देखें कि मायावती को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।